12 2021 की, 8 दिसंबर 2021, उन्नाव जिले में एक बेटी है, अमर्तिका हो चुकी है, 22 वर्षीय, काल्पनिक नाम आप कुछ भी ले लें। उसको एक ताकतवर उन्नाव के पूर्व एक पार्टी के राज्य मंत्री, उनके बेटे हैं रजोल सिंह, अरुण कुमार सिंह और रजोल सिंह, अब वो उसको ले जाते हैं उठाकर। घटना कब की है? 8/12/2021। दूसरी खबर के अनुसार 10 जनवरी को, यानी कि 1 महीना 2 दिन के बाद FIR हुई है रजोल सिंह जी के खिलाफ। रजोल सिंह बड़े मंत्री जी के बेटे हैं, बाहुबली मंत्री जी, अब तो शायद नहीं रहे हैं, उनके बेटे हैं, मतलब ताकतवर आदमी हैं। 1 महीना 2 दिन बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई है 10 जनवरी को। लगभग 62 दिन बाद आज उस बेटी का शव मिला है, लगभग 3 बजे। कहने को ज्यादा कुछ नहीं है, हमने हाथरस देखा, उन्नाव देखा, प्रयागराज देखा, आगरा देखा। चुनाव समर चल रहा है, लोगों के लिए चुनाव का समर है, वोटों का नफा नुकसान है, भाई यही हमसे नहीं आता है, चंद्रशेखर आजाद से यही नहीं आता चुनावी नफा नुकसान, ना वो उसको देखना चाहते ना उसको दिखाई देता है। बहुजन आंदोलन के सिपाही हैं, बहनों की सम्मान सुरक्षा की गारंटी लेके घूमते हैं। कहानी का कुछ और हिस्सा भी बताऊंगा, बस कहानी को डिटेल में थोड़ा बताता हूँ। 8 दिसंबर को बच्ची को अगवा किया गया, माना हाथ पैर जो है मारती रही, चप्पल घिसकी उसकी, जा जाके थाने में मुकदमा दर्ज हो जाए, कोई जानकारी मिल जाए, नहीं मिली। 10 जनवरी को मुकदमा दर्ज हुआ, क्यों दर्ज हुआ? क्योंकि पीड़िता की माँ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के घर गई मिलने के लिए, और उसने प्रयास किया कि वो बेटी मिल जाए, नेताजी के गनर्स वगैरह ने नहीं मिलने दिया गया, बकौल पीड़िता के जो माँ है उनके, उन्होंने बताया। तो उन्होंने लखनऊ में आत्महत्या करने का प्रयास किया। अखबार की खबर कहती है पीड़िता की मां ने कहा है आत्महत्या की कोशिश ना करती दब जाता मामला। ये 1 फरवरी को छपा हुआ है, यानी कि 10 जनवरी के बाद भी रिपोर्ट तो दर्ज हुई लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आठ दिसंबर, 10 जनवरी, 1 फरवरी के लगभग, यानी कि 31 जनवरी के लगभग, 30 जनवरी करीब उन्होंने प्रयास किया होगा, तब 1 फरवरी को खबर छपी है। अब एक उनकी माता जी का एक पत्र है जो मेरे पास है यहाँ इस फोन में, ये आप सब लोगों को सुनना चाहिए उन्होंने क्या लिखा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको खूब आनंद आएगा क्योंकि आप आनंदित तो है ही, और आनंद आपको पेश करते हैं स्पेशली शोषित वर्ग के लोगों के लिए। दलित होना सबसे बड़ी सजा है इस देश में। मेरी पुत्री उम्र 22 वर्ष लगभग को दिनांक 8/12/2021 को उन्नाव जिले के एक बाहुबली एवं किसी पार्टी के राज्य मंत्री फतेह बहादुर सिंह के पुत्र अरुण कुमार सिंह और रजोल सिंह के द्वारा अगवा कर लिया गया। मैं रोज नाक रगड़कर अरुण से अपनी पुत्री वापस मांगती हूं, तो रोज यही कहते हैं
कि तेरी पुत्री से अभी मेरा मन नहीं भरा है, कुछ दिन में मन भर जाएगा, वापस कर दूंगा। तेरी बेटी बहुत मस्त है, बाद में लौटा दूंगा। मेरी सुनवाई थाना पुलिस एवं जिला के आला अधिकारी द्वारा नहीं की जा रही है। मुझे डर है कि मेरी बेटी के साथ कहीं अनहोनी ना हो जाए। मैं गरीब दलित महिला हूं, कृपया आप सब लोग मेरी मदद कर एवं पुत्री को इस वैसी दरिंदर से वापस करवाएं। एक माँ ये पत्र लिखती है और रजोल साहब को का मन नहीं भरा है अभी। रजोल जी को उस बेटी में बड़ी इच्छा है, उनमें बड़ा जो आनंद है, तो वो कह रहे हैं कि वो बड़ी मस्त है, जब उनका मन भर जाएगा वो भेज देंगे। अब ये बेटी, आज इसकी डेड बॉडी मिली है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। जब मुझे पता लगा, बड़ी तकलीफ हुई, मैंने उसके पिता से बात की, उस परिवार को मेरी जरूरत है, उनकी मांगों को मानी, न्याय दीजिए, इसकी सीबीआई जांच कराइए, उस दरोगा इंस्पेक्टर सीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर 13 तारीख को, यानी कि 2 दिन बाद, फिर मैं उन्नाव जाऊंगा उस परिवार के पास, आप अपनी सारी फोर्स लगा लेना। मैं उस माँ के आंसू पोंछने, उस पिता के आंसू पोंछने, उस बहन को न्याय दिलाने के लिए जाऊंगा।